हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सपना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी। ये जो केक है बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ इस केक की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर देखिए मैंने दो पके हुए केले लिए हैं, इनके छिलके निकाल लेते हैं और छिलके निकालने के बाद ये जो केले हैं इनको हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कांटे वाली स्पून ली है, इससे हम अच्छे से इनको मैश कर लेते हैं। तो पके हुए केले हैं, बहुत ही जल्दी मैश हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया, अब हम इनको एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे दो अंडे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बनाना केक बना रही हूँ और उसमें अंडे का यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये जो बनाना केक चॉकलेट केक है ना, इसमें जो अंडे का फ्लेवर होता है ना, और अंडे डालने से इस केक का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अंडों का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमने दो अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से फैट लिया है। आज बैटर बनाने के लिए मैं स्पून का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप पिसी हुई शुगर ली है, इसको भी हम अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पून से। अगर आपके पास कोई स्पैचुला वगैरह है तो आप उससे इस बैटर को बना लीजिए। तो देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से इसको फेंट रही हूँ चम्मच से। यहाँ पर देखिए हमने अंडे और जो चीनी है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1/4 कप ऑयल। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। जिसमें कोई भी स्मेल ना हो वो आप ऑयल यहाँ पर डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पे यहाँ पर बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए ऑयल, अंडे और शुगर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है एक दूसरे के साथ। अब हम यहाँ पर डालेंगे वनीला एसेंस। तो मैं यहाँ पर वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डाल दूँगी, आप आधा चम्मच वनीला एसेंस डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डाल दी हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। तो जो एक नॉर्मल जो चम्मच होती है ना, वो आप उसका तिहाई हिस्सा यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी। थोड़ा सा हम यहाँ पर 2 चुटकी नमक डालेंगे, नमक से जो मिठास होती है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो आप केक में जब भी आप केक बनाएं तो 1-2 चुटकी नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। अब हम यहाँ पर तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 कप मैदा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा करके मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदे को। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मिक्स कर लेते हैं। पहले हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से हम इसको फेंटेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, कोई गुठली वगैरह ना रहे मैदे की। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हम इसको बैटर तैयार करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपको। ये देखिए मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं जब तक इसकी ये जो गुठली वगैरह है वो ख़त्म ना हो जाए। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जो मैश किया हुआ केला हमने लिया था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आप चाहें तो केले को बैटर बनाने के बाद भी मैश करके तुरंत, मतलब मैश करके आप डाल सकते हैं, या पहले ही आप केले को मैश करके रख सकते हैं। तो पहले केले को मैश करने से क्या होता है, केला थोड़ा सा काला पड़ जाता है। आप डायरेक्ट, मतलब तुरंत आप केले को मैश कीजिए और बैटर में डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से चोको चिप्स लिए थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसमें चॉकलेट का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से चोको चिप्स डाले हैं जो बीच बीच में केक के अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं ये जो केक है इसको चॉकलेट वाला कलर और फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर डाली हूँ 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं।
या फिर आप यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कोको पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। कोको पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब इस बैटर को हम साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से बीचों बीच फैला देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टैंड रख दूँगी इस तरीके से। ये वाला जो प्रोसेस है वो आपने हर वीडियो में देखा होगा। गैस को जो कढ़ाई होती है हम उसे प्री हीट करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो जाए। यहाँ पर हमने एक गोल केक टिन लिया है, इसको घी से ग्रीस कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें एक बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर को भी ऊपर से घी से ग्रीस कर देंगे। यहाँ पर हमारा केक टिन तैयार है। अब मैंने यहाँ पर कुछ केले के इस तरीके से पीस कट कर लिए हैं। बहुत पतले या बहुत मोटे पीस आपको कट नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के इस तरीके से पीस कट करने हैं। और एक एक करके मैं इस तरीके से नीचे यहाँ पर सारे केले के जो पीस हैं वो लगा दूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर क्योंकि हम बनाना चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो इसमें जो केले का जो एक लुक है ना वो आना चाहिए, इसलिए मैंने ये लुक देने के लिए केले को नीचे इस तरीके से लगा दिया है। जब ये केक बनेगा तो आप देखेंगे कि केक बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में। यहाँ पर देखिए गैस हमारी प्री हीट हो गई है, तो मैंने यहाँ पर केक के बैटर को इस तरीके से रख दिया है और इसको कवर कर देते हैं कढ़ाई को। अब हम यहाँ पर 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप केक देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं यहाँ पर मैंने थोड़े से चोको चिप्स बचा कर रखे थे जो कि गर्मी की वजह से हल्के से मेल्ट हो गए हैं, तो वो मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा देती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देते हैं। ये देखिए हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है। थोड़ा सा ये एक तरफ से ज़्यादा फूला लग रहा है, एक तरफ से कम फूला लग रहा है, वो होता है कभी कभी। हम केक टिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं ना, तो केक हमारा इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर देखिए केक एकदम ठंडा हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। और अभी आप इसका लुक देखिएगा, जो मैंने नीचे केले लगाए थे ना उससे बहुत ही अच्छा लुक आया। ये देखिए तो बहुत ही बढ़िया सा लुक आया है केक के ऊपर, सॉरी केक के नीचे। और आप इसे ऊपर से नीचे से कहीं से भी कट कर सकते हैं, कहीं से भी इस केक को आप सर्व कर सकते हैं खाने के लिए। तो देखिए मुझे इस साइड से ये जो केक है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये बहुत सॉफ्ट और गर्म है ये केक। तो देखिए आप दोनों साइड से केक को देख लीजिए, कितना बढ़िया लग रहा है ना केक। तो मैं एक बार इसको फिर से पलट देती हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया सा हमारा चॉकलेट बनाना केक बना है। आप भी इस केक को अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए बहुत बढ़िया सा केक बना है। तो हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं केक में, उससे ये जो केक है ना बहुत ही बढ़िया बनेगा। देखिए बहुत अच्छा सा टेक्सचर आया है केक का और केक जो है वो बहुत ही बढ़िया बना है। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगली